सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप काइनमास्टर में फॉन्ट कैसे ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए भाई सबसे पहले आपका काइनमास्टर का वर्जन 5.2.2 होना चाहिए, तभी आप भाई काइनमास्टर में फॉन्ट ऐड कर सकते हो। ओके, और इससे आपको क्या होगा कि मतलब आप इसमें अपने काफ़ी सारे फीचर हैं नए नए, जिनको यूज़ करके भाई आपको एडिटिंग में काफ़ी मदद मिल सकती है। ओके, तो यहाँ पर आपको अगर आपको ये काइनमास्टर चाहिए, वही मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के नीचे उस वीडियो का लिंक दिया है जिसमें मैंने ये सारे फीचर भी बताए हैं और उस काइनमास्टर का डाउनलोड लिंक भी दिया है, जाकर भाई आप उस वीडियो को देख लेना। ओके, तो यहाँ पर भाई आपको मैं बता दूँ कि काइनमास्टर में आपको फॉन्ट कैसे ऐड करना है। तो सिंपल सा यहाँ पर आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। ओके, लेटेस्ट काइनमास्टर में, और यहाँ पर आपके पास जहाँ पर जो फॉन्ट है, मतलब किसी भी फोल्डर में आपके पास जो फॉन्ट है, उन सभी को आपको प्रेस करके मतलब थोड़ा सा दबा कर सेलेक्ट कर लेना है, जिससे क्या होगा कि मतलब जो सारे फॉन्ट है उनको आप एक साथ ही भाई काइनमास्टर में ऐड कर सकते हो। और चाहो तो भाई आप थोड़ा रुक रुक कर भी कर सकते हो, मतलब अगर आप चाहो तो भाई, लेकिन आपको एक साथ सेलेक्ट करने में क्या जाता है, तो सेलेक्ट कर लेना। ओके, ईजिली सेलेक्ट करने के बाद में सारी की सारी फॉन्ट भाई आपके काइनमास्टर में ऐड हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हो सिंपल सा जो भी मैंने फॉन्ट ऐड की थी, लगभग मैंने 21 फॉन्ट ऐड की थी, जो कि भाई सभी यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। और सिंपल सा आप अपने टेक्स्ट में इन फॉन्ट का यूज़ कर सकते हो, जैसे यह मेरा नाम है, तो भाई यहाँ पर मैंने जो फॉन्ट चेंज की थी तो वो मेरे नाम से कन्वर्ट हो चुकी है, मतलब फॉन्ट उसमें ऐड हो चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको फिर बताता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई फॉन्ट ऐड हो चुके हैं। तो इस प्रकार से भाई काइनमास्टर में इजीली आप फॉन्ट ऐड कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना। और आपको चाहिए ये काइनमास्टर तो इस वाले वीडियो का तो लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।